अब गाइस सोने के बाद मेरा चेहरा अजीब सा नहीं हो जाता है, मतलब सबका अजीब से हो जाता है। आज मैं दिखाना चाहता हूँ अपना डे एज अ आर्टिकल इन बिग फोर, पर्टिकुलरली मतलब बिग फोर में काम कर रहा हूँ, सबको पता ही है। तो मैं आपको पूरा दिन दिखाना चाहता हूँ, एज अ फुल डे बताऊँगा कि किस तरीके से मैं काम करता हूँ, आज मेरा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नॉर्मल डे है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं क्या क्या काम करता हूँ, आज क्या क्या कर रहा हूँ वो एक्सप्लेन करूँगा। तो एक नया नॉर्मल डे भाई, मुझे लगा कि बनाना चाहिए, और आज मंडे भी है तो आज ज़्यादा काम है, तो आपको एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा कि क्या क्या काम कर रहा हूँ। ऑफकोर्स आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पे बात भी करूँगी, आप लोगों का डाउट भी सॉल्व करते रहूँगा मैं। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को, ठीक है। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। पहले तो चेंज करता हूँ भाई, बहुत जल्दी लेट हो गया, इट्स ऑलरेडी 9:28, ठीक है। तो जल्दी से तैयार होते हैं पहले तो। राइट, सो आई एम रेडी। बैकग्राउंड को छोड़ो भाई, देख मैं ऐसा कैसा लग रहा हूँ ये बता, ठीक है। वॉच पहनना है तो कौन सा वॉच पहनो, एक तो इतना सारा वॉच है समझ नहीं आता, तो स्मार्ट वॉच ही पहनता हूँ, घूम फिर के यही पहनना पड़ता। और दिस इज़ द बेस्ट बुक जो आप लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, इज़ द बेस्ट बुक भाई। अगर आप ये बुक पढ़ लिया ना, उसके बाद कोई भी बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। गीता पढ़ो यार, डेली एक पेज पढ़ लो काफ़ी है इतना मुझे लगता है। मैं तो एक ही पेज पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है यार। चलो चलो जल्दी निकलते हैं भाई, लेट हो रहा है। हो गया ये तैयार, अब निकलता हूँ भाई। एक तो भाई मुझे जूता का बहुत शौक है, ठीक है, बट अब ना कि गुड़गांव में आप जूता पहन के बाहर घूम नहीं सकते, क्योंकि इतना कीचड़ रहता है। जो लोग देख रहे हैं ब्लॉग भाई, गुड़गांव में अगर जॉब कर रहे हो तो आप मत करो भाई, बहुत बेकार है यार, गुड़गांव इज़ द वर्स्ट प्लेस टू बी। बट एनी वेज क्या कर सकते हैं, बेगर्स एंड स्टूडेंट्स डोंट हैव अ चॉइस। निकलता हूँ ऑफिस के लिए, लेट नहीं होना चाहता मैं ब्लॉग के चक्कर में, तो डायरेक्ट निकलते हैं, ठीक है। चलो 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 डायरेक्ट ऑफिस से मिलते हैं आप लोगों से। पता भाई ये है गुड़गांव के लिए, कि कल बहुत ज़ोर का बारिश हुआ था तो इसीलिए यहाँ पे इतना पानी है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मेरा प्यारा प्यारा शूज़ भाई गंदा हो जाता है ये सब के चक्कर में, देखो भाई। अब जब तक मैं ऑफिस पहुंचता हूं, आप लोगों को मैं नज़ारा बताता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूं। देखो, और आप में से काफ़ी लोग फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होंगे जो ये ब्लॉग को देख रहे हैं। बिग फोर में अगर आपको ज्वाइन करना है ना, तो आपको रैंक ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि बिग फोर रैंकर्स को जल्दी लेते हैं, ये बहुत जाहिर सी बात है, और फर्स्ट अटैम्प्ट वाले को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है देन मैनी अदर अटैम्प्ट्स। तो आप लोग कहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, कहाँ से कोचिंग ले सकते हो, ताकि आप लोग का इंटरमीडिएट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए बोथ ग्रुप्स, और साथ साथ आपका रैंक भी आ जाए। तो यहाँ पे PW ने लॉन्च कर दिया अपना कोर्स, अफकोर्स मैं बहुत सारे वीडियोज में बोल चुका हूँ PW के बारे में, जो आप लोग को प्रोवाइड करता है बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स। अब इनका पास के बारे में बोलूँ ना, PW से ऑल इंडिया रैंक 1 इसी से आया है, ऑल इंडिया रैंक 30 भी इसी से आया है, 48, 49, ये चारों ऑल इंडिया रैंक्स इन्हीं के PW से आया है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग इंटरमीडिएट का बैच खोज रहे हो, तो इंटरमीडिएट का बैच चालू हो चुका है, उद्देश रेगुलर फॉर May 2025, और इनका एक और प्रो वर्जन बैच है, दैट इज उद्देश प्रो बैच फॉर May 2025। उद्देश्य रेगुलर बैच है वो 14,000 का पड़ता है, यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आप लोग को बेस्ट जितना भी डाउट्स है आप लोग सॉल्व कर पाओगे एट द सेम टाइम, साथ आप लोग को लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास विद अनलिमिटेड व्यूज मिल जाएगा। अब मैं बोलता हूँ कि आप लोग रेगुलर ज्यादा प्रो बैच पे, प्रो रेगुलर बैच को फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हार्ड कॉपीज मिल जाएगी, मेंटरशिप प्रोग्राम्स मिल जाएगा, साथ जितना भी अपकमिंग बैचेस आने वाला है फॉर May 2025, जैसे कि फास्ट ट्रैक बैच हो गया, कोई मेंटरशिप का वेबिनार होने वाला है, वो सारी चीज आपको फ्री मिल जाएगा। तो 18,000 है प्रो बैच का, तो मैं हाईली आपको बोलता हूँ जाके यार एनरोल कर लो, UJ 200 यूज करना, क्योंकि आपको इंस्टेंट ₹200 का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन द अबव बिग डिस्काउंट्स, जो कि एक्चुअल प्राइस है बहुत ज्यादा कम है। तो आप लोग 18,000 में दोनों ग्रुप्स आप लोग कर पाओगे, लिटरली बोलता हूँ, प्लीज करिएगा कि आप लोग जाके एनरोल करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट करें। आप लोग फाउंडेशन का भी जाके ले सकते हैं, इसका बैचेस चालू हो सका है, संपूर्ण बैच है, जनवरी का अटेम्प्ट के लिए भी बैचेस लॉन्च हो चुकी है, UJ 200 उसका भी आप लोग कूपन, उसका भी कूपन कोड है, जो कि आपको ₹200 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट करिए, फॉर योर फाउंडेशन एंड फॉर योर इंटरमीडिएट एग्जाम्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब चलते हैं डायरेक्ट वापस ब्लॉग में। अब
पब्लिक में व्लॉग नहीं होता मेरे से, ठीक है ना। तो मैं अब बैकग्राउंड में शिफ्ट कर रहा हूँ, आपको खाली बस सामने का दिखा दूँ। अब व्लॉग में थोड़ा होता है भाई डर, मतलब थोड़ा शाइनेस है भाई मेरे को अभी भी। हमारा ओपनिंग सामने ऊपर डलर दिखा हुआ कहीं से पता नहीं, और यहाँ से हम लोग एंटर कर सकते पूरा। आपको फाइव स्टार का होटल कैसा लगेगा? मैं व्लॉग बना रहा था, जस्ट ऑफिस में एंटर किया, ठीक है। तो भाई एक रैंडम पर्सन है जो होता है, आई वॉच योर वीडियोज एक, तो वो आर्टिकल 2nd of September को ज्वाइन किया था। मुझे कोई भी प्लान नहीं था, मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ भाई, ऑफकोर्स भाई मेरे को नहीं लगता कि रिकॉर्ड करना चाहिए। तो लिटरली भाई अच्छा लगता है यार, ऑफिस में भी आज के लोग पहचान रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आई वॉच योर वीडियोज एंड बिकॉज ऑफ यू आई क्लियर्ड माई इंटरव्यू एंड हेल्प्ड अ लॉट इन माई लाइक जर्नी। तो अच्छा लगता है भाई। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है ना बिग फोर में, तो मैं आपको हेल्प करूंगा, वो कैसे आपको बताता हूँ मैं। तो अगर आपको बिग फोर में आर्टिकलशिप करना है, डेलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, इस वाले फर्म्स में रेफर होना है, तो मैं आपका साथ हूँ भैया, आपका भैया आपके साथ है। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जब भी वैकेंसी आती है मैं डालता हूँ आप लोग के लिए वैकेंसी का जो भी क्राइटेरियाज रहता है, साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ। देखो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मुझे वैकेंसी डालने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। एक स्टोरी डालता हूँ, एक स्टोरी लगाता हूँ टेक्स्ट में और डाल देता हूँ, और साथ साथ लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पर भी मैं डालते रहता हूँ। तो आप लोगों को जब भी आर्टिकलशिप का वैकेंसी रहेगा मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, और आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर फॉलो करना है, जहाँ भी मैं डालता हूँ वैकेंसी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये कि आपका सीए जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा, कौन से स्किल सीखना चाहिए, कैसे आप लोग अदर अदर जो भी एप्लीकेशंस आएगा बिग फोर के लिए उसे स्टैंड आउट कर सकते हो, इंटरव्यू करा कर सकते हो, मैं आप लोग के लिए सारा चीज़ जानने वाला हूँ। इंटर्नशिप, स्किल्स, कौन कौन से फर्म्स आपको इंटर्नशिप दे सकते हैं, स्किल्स कहाँ से सीख सकते हैं, सारा चीज़ इसी चैनल में आना है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपका करियर के साथ मैं पूरा रहूँगा साथ में। स्पॉन्सर वीडियो वगैरह नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड भी नहीं है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। आज मेरे को ऐसा कोई बोले कि थैंक यू आपने मुझे बहुत हेल्प किया, तो भाई अच्छा लगता है यार। तो ऐसा दिखता है मेरा ऑफिस का डेस्क, यह है मेरा, यह है मेरा ऑफिस का डेस्क। हाँ, यहाँ पे हमारा लंच होता है। हमारा एक्सपर्टीज भाई प्रिंट निकालने में, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है भाई ये प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर का एक्सपर्टीज। सो वी आर बैक फ्रॉम लंच। अब एक चीज़ मैं रियलाइज़ किया हूँ कि आजकल मैं ज़्यादा सुबह उठ के खाली मेल चेक नहीं करता हूँ, स्टॉक मार्केट भी चेक करता हूँ, और अभी देखा हूँ कि नीचे गिर रहा है स्टॉक मार्केट, पैसा लगाने का समय आ गया। और सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ होता है जब शाम को आपका मैनेजर आपको लंबा चौड़ा लिस्ट पकड़ा देता है ये काम करके देने के लिए। भाई मुझे लिटरली इतना ज़्यादा काम दे दिया गया ना शाम को कि मेरा मन उतर गया था, मैं सोचा जल्दी चल जाऊँगा काम करके, बट काम को पूरा लिस्ट में रख दे दिए। नाउ आज मैंने क्या क्या काम किया, सबसे पहला तो एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन। लिटरली अभी क्वार्टर चल रहा है, सितंबर चल रहा है, 15th इज़ अ ड्यू डेट जैसे आप लोगों को पता होगा, तो हमें सारा क्लाइंट्स का एडवांस टैक्स कैलकुलेशंस करना पड़ता है, और ये मेरा प्राइमरी था। साथ ही साथ इंटरनली हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क प्रोसेस चलता है, वो भी हमें देखना पड़ता है। सेकंड, थर्ड चीज़ होता है एमसीए का, बहुत सारे फाइलिंग्स चल रहे हैं एमसीए का भी पोर्टल पे देख रहा हूँ। चौथा चीज़ चल रहा है वो हमारा सबमिशंस होता है, क्लाइंट्स को बहुत सारे नोटिस आते हैं उसका मैं सबमिशंस बनाता हूँ खुद से, और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कैलकुलेशन जो मैं एडवांस टैक्स कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, सबमिशंस भी, फिर पेनल्टी सबमिशंस, और यही सारी चीज़ हमारे बेसिक का आज मेरा काम था, बट इतना सारा चीज़ मैं डिटेल में बता नहीं सकता ऑफकोर्स। तो ये है हमारा बाहर का सीन रात को, बट इतनी सारी कार बाहर लगी रहती है, आप बुक करके जा सकते हैं, बट मुझे क्या, मैं तो आर्टिकल हूँ। अगर आपका 7:34 में हो रहा है एग्जिट, तो आप थोड़ा सा काम कम करके निकले हो, ठीक है ना। Big
गैस आप लोग को मैं बताना भूल गया कि बिग फोर की जितनी भी कंपनीज है ना भाई, लिटरली एक ही मतलब बिल्डिंग में है, और PwC, डेलॉयट, KPMG मतलब आसपास ये सारा बिल्डिंग्स, और कभी कोई कोई तो ऊपर और नीचे है, फ्लोर अलग है बस। क्या होगा कि हमने ऑफिस से आ गया है तो ऑफिस का काम ख़त्म, लेकिन अभी भी मैं ऑफिस का ही काम कर रहा था, और अभी जो बज रहे हैं वो चार्ज में लगाया मैं दिखाता हूँ, 10 बज रहे तो अभी तक तो मैं पढ़ाई चालू नहीं किया, और अब पढ़ाई चालू करेंगे, और आज तो एप्पल का इवेंट भी है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं नया मोबाइल ले रहा हूँ पता नहीं, बट देखते हैं। एनीवेज अभी तो चलता हूँ डायरेक्ट अभी पढ़ाई करने, और पढ़ाई करता हूँ अपना 11 बजे तक, आज मीड आई नहीं, खाना बना नहीं, बाहर से कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, और बहुत दिन से मैं कुछ खाया भी नहीं था, तो चलता है यार इतना तो, लेट्स गो। और एक चीज़ तो आप लोग को मैं बताऊँ भाई, हम लोग कितना भी मतलब घर को कोस ले, घर को कहिए कर ले, बट जिस दिन मम्मी का याद आता है ना भाई, मैं 2 घंटा सोच रहा था यही काम करते करते कि यार मम्मी रहती तो कितना अच्छा होता, मतलब हाथ में आता है पानी, कुछ खाने को होता है, कुछ खाने को मन करता है ऑर्डर देता हूँ, आज किसको ऑर्डर दूँ भाई, कोई है ही नहीं, आज अगर कुछ भी करना होगा, बुखार भी है या फिर एक छोटा सा दवाई भी लाना है तो खुद से ही करना पड़ता है, तो ये यार बट क्या कर सकते हैं, एट द एंड हमें जीना ही पड़ेगा। चलो यार अब पढ़ाई करते हैं, 1 बज रहा है अभी, ठीक है, छोटा मोटा काम बाकी रह गया ऑफिस का, और वो कंप्लीट करने के बाद, ये देखो छोटा सा ही काम है, ज़्यादा काम बाकी नहीं है, छोटा मोटा काम है तो वो जल्दी कर लेता हूँ, ताकि कल जो ऑफिस जाऊँगा उसमें काम आसानी हो जाए, ये कंप्लीट कर लेना है, कल सुबह ही सबमिट करना है, और अभी देख रहे भाई 1 बज रहा है, वो ठीक आता हूँ, अरे भाई ऐसे देखो 1:05 बज रहा है, ठीक है तो वो कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई करने बैठूँगा, ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और 5 मिनट लगेगा सब पढ़ाई करते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपना फाइनल का पढ़ाई, तो रात का भी 1:15 हो रहा है और मैं अपना पढ़ाई चालू कर दिया हूँ, आपको बैक स्क्रीन करके दिखाता हूँ, तो ये है मेरा अपना नोट्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो अभी मैं कैजुअली बना रहा हूँ, उसे मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है, ये डिसीजन ट्री है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चालू कर दिया हूँ मैं। बड़ी बात यह था ना कि इंटरमीडिएट में मैंने एक भी क्लास नहीं लिया था, एक भी कोचिंग लिया था, लेकिन अब फाइनल में मैं ले रहा हूँ, क्योंकि यार टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने का, और जब तक मैं कुछ एक स्ट्रिक्ट रखूँ नहीं ना फिक्स शेड्यूल अपना, तब तक पढ़ाई हो नहीं पा रहा था, आर्टिकलशिप, यूट्यूब और बाकी सारे सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, और अब फाइनल का पढ़ाई करना, तो उसीलिए मैंने अपना कोचिंग लगा लिया, इंटरमीडिएट तक मैंने लगाया था, अब कहाँ कहाँ से मैं कोचिंग लिया हूँ फॉर फाइनल, अगर आपको जानना है तो मुझे आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि कहाँ कौन कौन सा क्लास ले रहा हूँ, कौन कौन सा टीचर से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, देखो बहुत लोगों से मैं बात किया उसके बाद ही मैं डिसीजन लिया, और उनको पढ़ाई भी करने का बहुत अच्छा मतलब जैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, और ये रहा उनका बैकग्राउंड भाई जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये है मेरा पर्सनल लैपटॉप जहाँ से मैं पढ़ाई करता हूँ और मतलब क्लासेस लेता हूँ, और मतलब सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जितना भी मैंने अपना YouTube पे डाला है सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, बस आप लोग मुझे बताइए अगर आप आर्टिकलशिप करना तो बिग फोर का वैकेंसी जब भी आएगी ना तो मैं आपके लिए डाल दूंगा, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और मैं अपना पढ़ाई करता हूँ और 3 बजे तक लगभग पढ़ाई करूँगा, और पढ़ाई करने के बाद मैं सो जाऊँगा, तो ऐसा मेरा शेड्यूल रहता है, आप लोग मुझे बताइए, और भी बहुत सारी चीज़ आएगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए, ताकि मैं उस पर ब्लॉग बना सकूँ, उस पर डिटेल वीडियो बना सकूँ, तभी आप लोग का भी काम आया यार। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, आर्टिकलशिप इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग जो भी आप एट द मोमेंट देख रहे हैं ये ब्लॉग को, बेस्ट ऑफ लक यार, सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, मैंने देखा है, मैं सच होते देखा, इसलिए मैंने आपको बोला, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, बाय बाय।